हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ। जब हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या बनाएं। उसके लिए मैं आपको बेसन की एक नई रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए हमें बेसन लेना है, हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। और प्याज लेना है। ये यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट बना के लिया है और ये मैंने थोड़ा दही लिया है जो हमें इसमें चाहिए। तो मैं जो है बेसन के अंदर आधी हरी मिर्ची ऐड करूँगी, आधे प्याज, क्योंकि आधी जो प्याज और ये सब है ये हमें ग्रेवी के लिए रखना है, और कुछ इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। और कुछ धनिया पत्ती इसके अंदर हम लोग डाल लेंगे। फिर जो ये मैंने लहसुन को कूट कर उसका पेस्ट बनाया था वो डालेंगे, और इसमें नॉर्मली मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब हमें इसके अंदर ऐड करना है। नमक डालेंगे, नमक हमें इसमें भी डालना है और ग्रेवी में भी डालना है, तो हम लोग अंदाज से नमक डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है उतनी। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है, और ये जो है ये मैंने इनो लिया है। आप चाहो तो इनो डाल सकते हो, आप चाहो तो खाने वाला जो सोडा होता है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसको मिक्स करेंगे, इसको हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। और जो कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रखी थी उसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है। तेल ऐड करने के बाद में जो बैटर हमने बना के रखा था वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, और इसको इस तरह से मिलाते हुए फैला देना है। ये देखिए मैं फैला रही हूँ, इसी तरह से हमें इसको फैलाना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये थोड़ी सी देर में बन करके ये रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। तो इसको हम लोग ढक्कन लगा करके पकाएंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी देर के बाद में ढक्कन खोल के देखा तो कुछ इस तरह से दिख रही है। अब इसको हल्के हाथ से हम लोग इस तरह से उतारेंगे, ये फटाफट निकल जाती है। यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, उसमें हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए ये जो है एकदम से स्पंजी स्पंजी बना है, और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, और ये जो मैंने हरी मिर्ची और ये सब बचा के रखी थी वो हम लोग इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, प्याज ऐड करेंगे, इसको मिक्स करना है हमें। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा गोल्डन होने तक हमें इसको पकाना है। और ये जो ठंडा होने के लिए हमने रखा था इसको हम लोग लेंगे और इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए मैं जो इसको इस तरह से रफली चॉप कर रही हूँ, तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको एकदम से कट कर लेना है। आप चाहो तो इसको इसी तरह से चाय के साथ खा सकते हो, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए ये जो है इसको हम लोग ऐसे ही चाय के साथ या ऐसे ही थोड़ी भूख लगे तो इस तरह से बना करके हम लोग सिंपली खा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याज जो है गोल्डन हो चुके हैं, तो जो बचा हुआ टमाटर था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें नॉर्मली मसाले हम लोग डालेंगे, हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक। नमक हमें देख करके डालना है क्योंकि पहले भी हम लोग नमक डाल चुके हैं इसके अंदर। और ये यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है क्योंकि इससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, इनको हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए अब हम इसमें जो है जो लहसुन मैंने कूट के रखा था वो हम लोग इसमें डाल देंगे।
और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाले जो है तेल छोड़ रहे हैं, और अभी इसी टाइम पे हम लोग इसमें थोड़ा दही ऐड करेंगे और इसको जो है हमें फटाफट चलाना है, नहीं तो हमारा दही जो है वो फट जाएगा। तो जब तक ये ग्रेवी रेडी हो रही है तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पैन में घी डालेंगे। आप ये स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि घी से जो है फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है। इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे घी डाल करके इसको थोड़ा सा हल्के से हल्का सा भुनना है हमें, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने जो है इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई कर लिया है, बस हमें ज़्यादा नहीं चलाना है। और इधर जो है हमारी, हम लोग देखते हैं हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो अब जो हमने इसको फ्राई करके रखा है वो हम लोग इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से चला करके हम लोग इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और अभी जो है मैंने यहाँ पे पानी गर्म करके रखा था, इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है, हमें गर्म करके ही पानी इसमें ऐड करना है। अभी यहाँ पे क्या है कि आप अगर ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, अगर सूखी सब्जी खाना चाहते हो तो आप इसमें पानी जो है कम ऐड करें। और इसको जो है हम लोग थोड़ी देर ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए ये जो है हमारी सब्जी जो है बन करके रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सूखी सब्जी बनाई है। आप चाहो तो इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हो चुकी है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप इसे एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।